Hello friends, welcome you all. Today in this video we are going to discuss with our topic probability. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो है वो probability के बारे में discuss करेंगे. हम लोग देखेंगे probability जो है वो एक बहुत ही important topic है statistics part का, जो हमारा statistics and probability दोनों मिलकर जो है वो एक complete unit बनता है. तो देखिए probability क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी किस तरह से स्टार्ट हुआ, प्रोबेबिलिटी किस तरह से एक पॉसिबिलिटी है जो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा होगा. ठीक है, और रिजल्ट जो है वो कितने टाइप्स में आ सकता है, किस तरह का होगा. तो वी विल जस्ट सी द कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए प्रोबेबिलिटी मीन्स द पॉसिबिलिटी और चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट. ठीक है, अगर किसी भी इवेंट का क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावना है, हम लोग अगर किसी भी चीज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसका क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावना है, या व्हाट आर द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट का कितना ऑकर करने का चांस कितना है. ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी जो है वो पूरा क्या है, एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है जो हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टार्टेड इन 18th century विद द गेम्स ऑफ चांस. ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी जो है वो 18th century में ये स्टार्ट हुआ. ठीक है, विद अ गेम ऑफ चांस. ठीक है, जिस तरह से हम लोग ये गेम खेलते हैं चांस लेकर, वैसे ये गेम ऑफ चांस ये स्टार्ट हुआ था. जस्ट एज सच एज थ्रोइंग अ डाई, एक हम लोग जो लूडो खेलते हैं तो उसका एक डाई है, वो डाई को थ्रो करके हमने स्टार्ट किया. टॉसिंग एक क्वाइन सिक्का उछाल कर, ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स. ठीक है, कोई भी हम लोग जो कार्ड खेलते हैं 52 पैक जो होता है कार्ड्स का, तो उस कार्ड से कोई भी एक कार्ड को ड्रॉ करके उसमें हमने एक पॉसिबिलिटी ढूंढा कि हाँ ये कार्ड मिलने की संभावना क्या है. मान लीजिए अगर कोई हम लोग क्वाइन को टॉस करते हैं तो हेड मिलने का चांस कितना है, टेंस मिलने का चांस कितना है. अगर डाई को हम थ्रो करते हैं तो किसी भी डाई में मान लीजिए 1 to 6 जो है उसमें नंबर्स होते हैं, तो इसमें 1 मिलने का चांसेस क्या है, 2 मिलने का चांसेस क्या है. तो इस तरह से जो है एक गेम ऑफ चांस था. ठीक है, एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना लिया गया कि अगर किसी भी चीज़ को हम थ्रो करते हैं तो उसका पॉसिबिलिटी क्या है ऑकर होने का, या उसका आने का चांसेस कितना है. देखिए प्रोबेबिलिटी में क्या है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं दो चीज़, एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट क्या है, एन एक्शन विच रिजल्ट इन सम वेल डिफाइंड आउटकम्स. कोई भी अगर हम एक एक्शन करते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो एक वेल डिफाइंड आउटकम होना चाहिए, यानी रिजल्ट जो हमारा आ रहा है वो एक वेल डिफाइंड होना चाहिए कि हाँ ये जो है वो कन्फर्म इस तरह से ऐसा ही होता है. जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे तो मान लीजिए कोई हम एक ट्राइंगल लेते हैं, तो ट्राइंगल्स के 3 एंगल जो है वो डिफाइंड है कि हाँ 3 एंगल का वैल्यू क्या होगा. तो उस तरह से जो भी होगा वो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है वो एक कन्फर्म आउटकम है कि इसका ये रिजल्ट मिलेगा ही, दैट इज़ वो एक्सपेरिमेंट. मान लीजिए जैसे हम लोग कोई भी सब्जेक्ट का एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, तो वहाँ हमें पता है कि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या होगा, हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं वो हम कन्फर्म हैं. बट रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इफ इट रिजल्ट इन 2 or more आउटकम्स. ठीक है, यहाँ पे आउटकम्स जो है यानी रिजल्ट जो है यह 2 या 2 से अधिक आ सकता है, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू टेल या प्रिडिक्ट, अनुमान लगाना दैट आउटकम इन एडवांस, यानी रिजल्ट आने के पहले आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट होगा वो किस तरह का रिजल्ट आएगा. ठीक है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है. देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है, जिसमें रिजल्ट आप कन्फर्म है कि इस तरह का ही रिजल्ट आएगा. ठीक है, मान लीजिए अगर लैब में कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका अगर किसी भी चीज़ का हमको मेजर करना है, या मान लीजिए हम किसी भी थिकनेस निकाल रहे हैं, वायर का डायमीटर मेजर कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम जो है वो कन्फर्म है कि इस तरह का नंबर ही आएगा, इस तरह का सेंटीमीटर में ही आएगा, मीटर में ही आएगा. बट रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या है कि इसमें जो है वो आउटकम, जो हमारा रिजल्ट होगा वो 2 या 2 से अधिक आएगा. ठीक है, 2 या 2 से अधिक आएगा, एंड वी आर नॉट बीन एबल टू प्रिडिक्ट, हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं एडवांस में, रिजल्ट आने के पहले हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा होगा. ठीक है, तो दैट वन इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट. अगर इसका एग्जांपल आप देखें तो क्या है, टॉसिंग ए क्वाइन. अगर कोई आप सिक्का उछालते हैं तो उछालने के पहले आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा. टॉसिंग 2 points, 2 सिक्का अगर एक साथ उछालते हैं. थ्रोइंग ए डाई, अगर कोई भी आप एक डाई थ्रो करते हैं तो यू कैन प्रिडिक्ट व्हाट द नंबर विल कम एज रिजल्ट. 1 to 6 में कुछ भी आ सकता है.
ड्राइंग ए कार्ड, अगर पैक है 52 का, अगर उस कार्ड में से आप कुछ ड्रॉ करते हैं तो कुछ भी आ सकता है, वी कांट प्रेडिक्ट इन एडवांस, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से जो है प्रोबेबिलिटी जो है ये बेसिक्स उसका जो हम लोग इस तरह से इसको करते हैं। मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज सैम्पल स्पेस, ठीक है। एक और इसमें जो है एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, और एक है सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस जो हम लोग देखते हैं, देखिए ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी जो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था कि जो आउटकम्स होगा या टू और मोर देन टू आउटकम्स, तो उन सभी का जो कलेक्शन होगा उस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस, एंड इट इज डिनोटेड बाई एस, और सैम्पल स्पेस को जो है वो हम एस से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि सैम्पल स्पेस कैसा होगा, तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि व्हेन वी टॉस ए कॉइन, अगर हम एक कॉइन को उछालते हैं, ठीक है, एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं, तो इट मे कम इन आइदर ऑफ टू वेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक कॉइन को अगर हम उछालते हैं तो ये दो वे में होगा हमारा, आइदर हेड और टेल, ठीक है, दो चीज होंगे। इफ वी डिनोट हेड्स बाई एच, अगर हेड को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं एंड टेल्स को बाई टी, अगर टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो दो आउटकम्स हैं एक क्वाइन के हमारा, तो वो क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, हेड और टेल। बट इन दोनों का अगर हम कलेक्शन बनाते हैं तो वो क्या है, हमारा सैंपल स्पेस है, यानी सैंपल स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस होगा क्वाइन के केस में, तो एस इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, एच कॉमा टी, यानी एक हेड और एक टेल। तो जितने भी आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है किसी भी इवेंट का, तो उन सभी का कलेक्शन जो है उसे हम क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस कहेंगे। वैसे ही हम एक और एग्जांपल अगर लें, व्हेन वी थ्रो अ डाई, अगर किसी एक हम डाई को अगर हम थ्रो करते हैं, इट विल ईट विथ एनी ऑफ इट्स सिक्स फेसेस पॉइंटिंग अपवर्ड। तो डाई में क्या है, छह नंबर्स होते हैं, छह नंबर्स में कोई भी एक नंबर जो है वो आपका अपवर्ड फेस पे आएगा, ठीक है, कोई एक ही वैल्यू आएगा, 1 2 3 4 5 6 इन्हीं में से कोई होगा। तो अगर इसका हम सैंपल स्पेस बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम कितने हैं, छः यहाँ पे फेसेस हैं, यानी छः आउटकम आ रहे हैं, लेकिन सैंपल स्पेस जो है वो क्या होगा, सभी का कलेक्शन होगा। तो कलेक्शन दैट मीन्स एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो ये जो हमने कलेक्शन बनाया, दिस कलेक्शन इज नोन एज सैंपल स्पेस। तो किसी भी अगर इवेंट के लिए या किसी भी ऑकरेंस के लिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए, जितने भी आपके पास आउटकम आ रहे हैं, दैट आउटकम्स में भी टू और मोर देन टू आउटकम्स, क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी आउटकम आएगा तो वो आपको पता नहीं है कि क्या आ सकता है, ठीक है, वी कांट प्रेडिक्ट इट। तो जो भी उन सभी रैंडम एक्सपेरिमेंट का कलेक्शन जो हम बनाएंगे, सारे को अगर एक जगह हम कलेक्ट करके लिखेंगे, तो दैट इज नोन एज सैंपल स्पेस। तो ये सैंपल स्पेस जो है ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे क्वेश्चंस में सॉल्व करते समय ये हमारा बहुत इसका यूज होगा। वन क्वेश्चन वी हैव टेकन, फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, वन इज ब्लू एंड अदर रेड वंस, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सैम्पल स्पेस। देखिए क्वेश्चन हमने यहाँ लिया है, इसमें वी हैव टू फाइंड सैम्पल स्पेस, हमें जो है वो सैम्पल स्पेस फाइंड आउट करना है। और देखिए सैम्पल स्पेस फाइंड आउट करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट है हमारा वो क्या है, रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, ठीक है, रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, यानी दो डाइस जो है उसको रोल किया जा रहा है, वन इज ब्लू एंड अदर इज रेड। एक पहला डाइस जो है वो क्या है, ब्लू है, और दूसरा जो डाई है वो क्या है, रेड है। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सैम्पल स्पेस, और कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए अगर दो डाई है, वन डाई जो है, वन डाई इज ब्लू, ठीक है, तो इस पे मान लीजिए हम कंसिडर करते हैं कि ये एक्स है, और अदर वन डाई जो है, अदर डाई इज रेड, तो मान लीजिए इसका जो एलिमेंट है हम कंसिडर करते हैं वाइट। तो अगर मान लीजिए इसका हम आउटकम्स लेते हैं, दोनों जो है रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, दोनों को एक साथ ही हमें रोल करना है। अगर दोनों को एक साथ हम रोल करेंगे, तो मान लीजिए जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट आउटकम जो होगा वो कैसा होगा। तो मान लीजिए अगर इसके लिए हम सैंपल स्पेस बनाते हैं, तो देखिए सैंपल स्पेस के केस में क्या है कि एक हमें एक्स लेना है और एक वाई लेना है, ठीक है, यानी एक डाई जो है वो ब्लू वाले को हम थ्रो करेंगे और एक जो डाई होगा वो साइमल्टेनियसली हम रेड वाले को थ्रो करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो है कि इफ़ वी थ्रो एक्स
मे बी इट कम्स एज ए वन। इफ अगर हम रेड वाले को वाई को अगर हम थ्रो करते हैं तो इट मे बी ए चांसेस दैट इट ऑल्सो कम एज वन, ठीक है, एक ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इसमें करना क्या है कि इन अ डाई वी नो द नंबर कम्स फ्रॉम, अगर डाई को हम थ्रो करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है वो 6 नंबर्स में से ही कोई एक नंबर जो है वो पॉइंटिंग अपवर्ड आएगा हमारा। तो पहला केस में हम क्या करते हैं कि एक्स जो ब्लू है उसको हम 1 पे फिक्स कर देते हैं कि ये जब भी हम थ्रो करेंगे तो 1 ही आएगा। चेंजेस किसमें होगा, सेकेंड वाले में। मान लीजिए जब दूसरी बार हम थ्रो किए तो ये 1 ही रहा लेकिन ये 2 आ गया, वैसे ही अगर हम करेंगे तो 1, 3 आएगा, 1, 4 आएगा, 1, 5 आएगा, 1, 6 आएगा, ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी। सेकेंड केस में अगर हम करें तो ऐसा हो सकता है कि ये 2 आ जाए, ये 1 हो आपका, इस तरह से ये 2, 2 हो, ये 2, 3 हो, ये 2, 4 हो, ये 2, 5 हो, ये 2, 6 हो। समझना चाह रहे हैं कॉन्सेप्ट में क्या आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब दो डाई को अगर एक साथ हम करेंगे तो टोटल एलिमेंट्स जो है, टोटल पॉसिबिलिटी आउटकम्स जो हमें फाइंड आउट करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि पहला डाई जो है मान लीजिए उसको हम फिक्स रखते हैं कि हम जब थ्रो करेंगे तो ये 1 नंबर ही आएगा, लेकिन हमें दोनों को थ्रो करना है एक साथ। तो मान लीजिए जब ये 1 आएगा तो 1 और ये अगर चेंज होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 बार चेंजेस हो सकता है। वैसे ही अगर हम 2 के लिए करें तो फिर 6 बार चेंजेस हो सकता है। वैसे ही अगर हम 3 के लिए करें तो 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 and 3, 6 ऐसा 6 चेंजेस जिसके लिए भी हो सकता है। इसी तरह से अगर हमारा एक्सपेरिमेंट दूसरा 4 के लिए अगर हम जाएं तो 4, 1, ठीक है, यानी ये वैल्यू जो है ब्लू वाला डाई का वो 4 है और वेरिएबल जो है वो हमारा रेड चेंज हो रहा है, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6 ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इसके लिए हम और करते हैं तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6 ऐसा आ सकता है। एक पॉसिबिलिटी और हमारा होगा 6, 1 के लिए, तो हो सके ये 6 हो, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 and 6, 6। अब देखिए ये जितने भी हमने सैंपल्स मिस किए इसके एक्सेप्शनल कोई भी ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होगा, कोई भी ऐसा आउटकम नहीं होगा जो इसमें आपका कवर ना होता हो, ठीक है। यानी दो डाई को अगर हम साइमल्टेनियसली थ्रो करेंगे तो जो भी टोटल आउटकम्स आएंगे वो सारे इसमें कवर हो गए, ठीक है। अब हम एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या है कि जब आपका एक ब्लू डाई है, एक ब्लू डाई है तो ब्लू डाई के लिए टोटल नंबर ऑफ कितने आएंगे, 6। और जब आप रेड डाई करिएगा, रेड डाई वेन हम लोग थ्रो करेंगे तो इसके लिए हमारा टोटल नंबर्स कितने होंगे, 6। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब आप फाइंड आउट करोगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब हम फाइंड आउट करेंगे तो दैट इज बोथ डाई नंबर विल बी मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 6 × 6, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 36। और ये देखिए सैंपल्स में इसमें भी जो टोटल आपका इवेंट बना है यानी टोटल जो आपका आउटकम्स बना है इसे भी अगर आप काउंट करेंगे तो ये आपका 36 ही होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं सैंपल्स पे फाइंड आउट करने के लिए या डाई को थ्रो करके पेयर फाइंड आउट करने के लिए, तो ये जस्ट कंसेप्चुअली आपको समझना है कॉन्सेप्ट इसमें कि एक डाई के वैल्यू को अगर हम फिक्स करें और दूसरे को अगर हम पैरी करवाते जाएं तो इस तरह से इजीली जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स होंगे उनका कलेक्शन जो है वो हमारा क्या होगा, सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस के लिए दोनों डाई के जो नंबर्स हैं वो अगर मल्टीप्लाइड हो जाए तो टोटल नंबर ऑफ जो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस तरह से आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टेकन ए बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन विद रिप्लेसमेंट, राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बॉक्स है, बॉक्स में इट कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स, एक रेड और 3 वाइट बॉल्स हैं वहाँ पे, ठीक है।
टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, दो बॉल्स जो है हमने रैंडमली उसमें से बाहर निकाला इन सक्सेशन विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा रिप्लेसमेंट यहाँ पे, ठीक है। राइट द सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमारा सैम्पल स्पेस होगा वो हमारा किस तरह से होगा। तो देखिए यहाँ पे दो बॉक्सेस हमारे पास दिए हैं, वन इज रेड एंड अदर वन इज वाइट, ठीक है, दो तरह के बॉल्स हैं, वन रेड है और वन थ्री आइडेंटिकल वाइट बॉल्स हैं। तो नंबर्स ऑफ बॉल ड्रॉन, अगर हम यहाँ पे बॉल ड्रॉन्स करते हैं, नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉन, तो नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉन कितने होंगे हमारे पास, टू, हम दो बॉल्स ड्रॉ करेंगे एंड दो बॉल्स ड्रॉन करेंगे विथ रिप्लेसमेंट, वी हैव टू मेंशन दिस वन, ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट, यानी हमारा जो रिप्लेसमेंट है वो भी होगा, एक बॉल हम निकालेंगे फिर उसे रख देंगे, फिर वो दोबारा वो बॉल निकल सकता है, ऐसा भी हम केस करेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर हम सैंपल स्पेस फाइंड आउट करें, सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विथ दिस एक्सपेरिमेंट विथ एक्सपेरिमेंट इज, तो मान लीजिए सैंपल स्पेस एस जो है वो हमारा क्या होगा, पहला केस हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक रेड बॉल निकाले, बॉल को हमने वापस रखा, दोबारा हमने ड्रॉप किया तो वो बॉल फिर से रेडी आ गया, एक पॉसिबिलिटी हमारा ऐसा हो सकता है। दूसरा केस हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वाइट जो तीन बॉल्स हैं वो क्या है, आइडेंटिकल है, वाइट निकलेगा तीन में से कोई भी तो हम उसे वाइट ही काउंट करेंगे। दूसरा केस हमारा क्या हो सकता है, एक हमने रेड बॉल लिया, दूसरा हमारा वाइट निकले, पहले ही हमारा वाइट निकल गया फिर एक हमारा रेड बॉल हो, या ऐसा हो सकता है कि वाइट बॉल दोनों हमारा वाइट बॉल ही निकल गया हो, ठीक है। तो टोटल जो हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, देखिए दो ही हमें बॉल्स ड्रॉन करना है तो उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ जो है वो हमारे पास चार आउटकम्स रहते हैं। जैसे दो अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं और तो एक कॉइन में हमारा क्या होता है पॉसिबिलिटी, एक हेड और एक टेल, तो उस तरह से दो कॉइन में हमारे क्या हो जाएंगे, 2×2=4। तो आउटकम्स जो है आप ऐसे भी उसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ दो बॉल्स हमें ड्रॉन करना है, तो दो बॉल्स के लिए जब भी नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपका है यानी इनपुट जब आपका दो है तो उसके लिए जो आपका टोटल रिजल्ट होगा वो 2^n होता है, ठीक है, यानी 2^2 दैट इज 4। तो टोटल जो है वो आपका 4 जो है वो सैंपल स्पेस होगा, यानी यहाँ पे जो आउटकम्स होंगे वो 4 होंगे। और इसे हम कह सकते हैं कि वेयर आर डिनोट्स रेड बॉल एंड डब्ल्यू डिनोट्स वाइट बॉल्स, ठीक है, यानी ये रेड बॉल है और ये हमारा वाइट बॉल है। तो इस तरह के केसेस के जो भी क्वेश्चंस होंगे सैंपल स्पेस के, तो आप उसे बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बस आपके पास वो कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि हमको किस तरह से इसे सॉल्व करना है।